सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। बिहार की राजधानी पटना में बरसात का पानी उतरने लगा है। पॉश इलाकों से जो ऊपर के हिस्से हैं वहां से पानी उतर गया है, लेकिन निचले इलाकों में राजेंद्र नगर, कंकड़बाग या फिर पटना का दक्षिणी हिस्सा, वहां पानी अब भी मोहल्लों में घुसा हुआ है। लोगों को राहत पहुंचाने और उनको बाहर निकालने का काम अब भी चल रहा है। अब आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जैसे पानी निकल जाएगा उसके बाद से महामारी का खतरा बढ़ जाएगा। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है यह राज्य सरकार ही जानती है, क्योंकि ज़मीन पर कुछ दिखता नहीं है। वैसे इस बार इतना कोहराम रहा, इतना हाहाकार रहा और राज्य सरकार पर इतने सवाल रहे, बावजूद इसके जो प्रशासनिक ढांचा है वो चरमराया हुआ दिखा। जो वहाँ का नगर निगम है वो लस्त पस्त ध्वस्त दिखा। वहाँ का विपक्ष कहीं नहीं दिखा, सिर्फ आरोप लगाने के अलावा उसने कुछ किया नहीं। लेकिन पटना में एक नेता लगातार लोगों के बीच में दिखा, कभी नाव पर दिखा, कभी पानी के अंदर खड़ा होकर दिखा, कभी लोगों को आवाज़ लगाते दिखा, कभी भैया आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपके घर में बच्चा है, दूध है, यह सारी बातें छत पर जो फंसे हुए लोग हैं उनसे पूछते हुए दिखा और लोगों को राहत लगातार पहुंचाते हुए दिखा। नाम पप्पू यादव। पप्पू यादव वैसे उनकी इमेज एक दबंग बाहुबली नेता की रही है, लेकिन मुश्किल के वक्त में पप्पू यादव ने लोगों के बीच खड़ा होकर के उनको मदद पहुंचा करके अपनी इमेज में जो बदलाव किया है वो काबिले तारीफ है। वैसे भी बहुत सारी मुश्किलों मुसीबतों में पप्पू यादव को आप लोगों के साथ खड़ा हुआ देखते हैं, और बिहार का इकलौता ऐसा नेता है जिसकी इमेज जैसी है निगेटिव, उस आदमी का मुश्किल मुसीबत में काम उतना ही पॉजिटिव होता है। यह एक दोहरा चरित्र है पप्पू यादव का। मैं तारीफ उनकी नहीं कर रहा हूँ, मेरा उनका कोई साबका भी नहीं है, मेरी भी बात भी नहीं हुई, हालांकि मैंने आज सुबह उनको फ़ोन लगाया था बात करने के लिए और यह कहने के लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो मीडिया से घिरे हुए हैं, थोड़ी देर में आपको कॉल करते हैं। फिर भी पप्पू यादव ने बिहार में जो कुछ भी किया है नेता को वही करना चाहिए। लोग अगर अपना विधायक या सांसद चुनते हैं तो इसलिए सिर्फ नहीं चुनते हैं कि आप विधानसभा में या संसद में बैठ करके भाषण दें, अपने पक्ष और वेतन के लिए लड़ें और बहुत सारी सहूलियतें सुविधाएं उठाएं। एक स्टेटस जो होता है विधायक या सांसद का, स्पेशल जो सिटीजन की तरह का, वो आप अवेल करें। ये सुख भोगने के लिए सिर्फ आप विधायक और सांसद नहीं होते हैं, अपने स्टेटस को आसमान पर पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं। लोगों की मुसीबतों ज़रूरतों में लोगों के साथ खड़ा होने या फिर उन ज़रूरतों मुसीबतों को दूर करने के लिए भी होते हैं। पटना का जो हाल था, सरकार 14 साल से है कहती है कि मुंबई में क्या नहीं होता है, चेन्नई में क्या नहीं होता है, 14 साल पहले भी ऐसा होता रहा है। अरे जब पहले होता रहा है वो आज अगर होता है तो क्या होता रहेगा, फिर बदला क्या है? और अगर बदलने के नाम पर कुछ नहीं है तो आप क्यों हैं? नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं कि मीडिया हमारा साथ नहीं देता है, मीडिया ने आपका साथ दिया, आप भूल जाते हैं। आपको अपने मतलब और फायदे की बात याद रह जाती है, जब आपको ज़रूरत होती है लोगों के बीच और लोगों के लिए खड़ा होने की, उसमें आप नहीं खड़ा होते हैं, मीडिया आपके खिलाफ खड़ा होता है तो मीडिया दुश्मन हो जाता है। लेकिन बिहार में एक बेहतर विकल्प, एक साफ सुथरे नेता, सुशासन का इमेज अगर गढ़ा गया आपको लेकर के, तो मीडिया के जरिए ही गढ़ा गया। मीडिया ने ही आपकी तारीफ की, आपकी पीठ थपथपाई और लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से एक नए राज की शुरुआत एक नए आदमी के नायकत्व में हो सकती है इस बात की उम्मीद बांधी। और जो पहला फेज आपका था, मीडिया आपके साथ चलता रहा 2005 से लेकर 2010 तक, दूसरा फेज आपका खराब रहा और तीसरा तो लगातार खराब होता चला जा रहा है। मीडिया अगर आपके खिलाफ नहीं बोलेगा तो किसके खिलाफ बोलेगा? बोलना चाहिए और बोलने के लिए मीडिया होता है। आप अगर मौर्य होटल में आते हैं और मौर्य होटल से निकलते समय आप गांधी मैदान की सड़क पर थोड़ा पानी देख करके अपना पजामा उठा करके चल देते हैं और फोटो शूट करा लेते हैं, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, तो क्या आपका फर्ज खत्म हो जाता है? विपक्ष का कोई भी नेता नहीं दिखता है। आपकी बीजेपी जो सहयोगी पार्टी है उसका नेता सवाल करता है, लेकिन पटना में अगर आप कहें तो मेयर किसका है? बीजेपी सपोर्टेड है।
वहां का नगर निगम किसके कब्जे में है? बीजेपी के। पटना शहर के विधायक सबसे ज्यादा किसके हैं? मुझे लगता है 7 में से 6 विधायक बीजेपी के हैं। उन्होंने क्या किया है? आपकी सरकार ने क्या किया है? अगर इतने निकम्मों के बीच में कोई एक आदमी काम करता हुआ दिखता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। उसके गुजरे हुए समय में उसकी इमेज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लोगों का भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाव पर जरूरत का सामान लेकर के अपने लोगों के साथ लगातार मोहल्ले मोहल्ले गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ घूमना और उस पानी में घुस करके लोगों को आवाज देना और फिर उन तक मदद पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। पप्पू यादव ने बिहार की जनता के बीच में अपनी इमेज को बदला है। नेता को कैसा होना चाहिए? वो नेता जो आज की तारीख में सांसद नहीं है, उनकी अपनी पत्नी जो कांग्रेस की सांसद थी पिछली बार 2014 में, वो भी नहीं है, दोनों पति पत्नी हारे हुए हैं, उसके बाद भी अपना पैसा लगा करके अपने लोगों के साथ अपना सामान लेकर के मदद पहुंचाना, इसको नेता कहते हैं। बाकी जितने भी हैं सब जुबानी जमा खर्च वाले हैं। मीडिया का माइक देखना है, मीडिया का कैमरा देखना है और फिर अपनी पार्टी के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ बोल देना है। आपके बोलने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता है, आपके काम करने से निकलता है, आपके ईमानदार होने से निकलता है, आपका अपना फर्ज निभाने से निकलता है। पटना की नालियों में कूड़ा है, वहां की सफाई नहीं होती है, पटना का सीवर सिस्टम खराब है, पटना की सड़कों गलियों का हाल बदहाल है, यह जिम्मा आपका है। अगर पटना की नगरीय व्यवस्था नहीं संभलती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या किसी को गुनाहगार नहीं ठहराया जाए? क्या सबको छोड़ दिया जाए कि बरसात हो गई, बरसात के बाद तो पानी जम गया शहर के भीतर और शहर मुसीबत में आ गया, जाने दीजिए थोड़े वक्त के बाद पानी निकल जाएगा, क्या ऐसा ही किया जाए? ऐसा नहीं हो सकता है, चूंकि जो व्यवस्था शहर के भीतर होनी चाहिए वो नहीं है तो फिर आपकी गिरेबान तो पकड़ी जाएगी, आप चाहते ऐसा नहीं, इसलिए पप्पू यादव को लोग पसंद करेंगे, ऐसे नेता को पसंद करेंगे। ये तस्वीरें जो आप लगातार देख रहे हैं, अब मैं वीडियो दिखाता हूं पप्पू यादव कैसे अंदर जाते हैं, लोगों को आवाज लगाते हैं और फिर वो राहत पहुंचाते हैं। छपरा से कुछ बच्चे आए, वो अपना पैसा जमा करके लाए थे, अपने माता पिता से मांग करके लाए थे 5,000 रुपए, उन्होंने पप्पू यादव को दिया। क्यों आए आप, क्या देखे? यहाँ पे सबको एक फंसा हुआ था पानी में जी, और इसलिए हम मदद कर रहे हैं। मतलब जो आप पप्पू अंकल कर रहे हैं आपको वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। आप जैसे युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। ये पैसे कहाँ से है? ये हम लोग ने जमा किए थे और पापा से कंट्रीब्यूट किया। ये तस्वीरें, ये वीडियो आपको चुभ रहा होगा, वैसे लोग जो सफेद पोश हैं, बिहार में जितने भी गाड़ियों से चलने वाले, चमचमाते कपड़ों में रहने वाले, साफ सुथरे पान खाने वाले और फिर चौराहों पर माइक के सामने बोलने वाले तथाकथित जितने भी नेता हैं, उनको यह बात चुभती होगी क्योंकि बात पप्पू यादव की हो रही है। पप्पू यादव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पिछले कई वर्षों से उनकी कोई बातचीत नहीं है। वो आदमी अपने गुजरे हुए वक्त में एक ऐसी इमेज लेकर के चलता है कि उससे वो बार बार भी पिंड छुड़ाना चाहे तो छुड़ा नहीं पाता है, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों के बीच में मुसीबतों में मुश्किलों में खड़ा है ये काबिले तारीफ है। और इस तरह का नेता 1,000 साफ सुथरे लच्छेदार भाषण देने वाले नेताओं से बेहतर है। प्रणाम प्रणाम, सब लोग का प्रणाम प्रणाम सबके। हाँ प्रणाम प्रणाम, पानी 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 दो पानी दो पानी दो, खाना पानी दो सबसे संगीन। लेकिन बिहार की स्थिति सिर्फ पप्पू यादव जैसे नेताओं से नहीं बदल सकती है, बल्कि वहां जितने भी लोग हैं, जैसे इस बार कई नौजवान अलग अलग जिलों से पटना पहुंचे, मदद लेकर के पहुंचे, उन्होंने दिन रात लग करके लोगों की मदद की है और जो भी जरूरी सामान है उसको उन तक पहुंचाया है। पप्पू यादव अगर मदद का सामान लेकर लोगों तक पहुंच रहे थे तो पप्पू यादव तक भी लोग मदद लेकर पहुंच रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने आप में इंसानियत और अपनेपन की बेहतरीन मिसाल हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इस बातचीत को देखिए और समझिए कि अपना क्या होता है
और अपनों के मुश्किल वक्त में फंसे होने के समय खुद के आगे आने का मतलब क्या होता है। ये नौजवान तारीफ के काबिल हैं, इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन बिहार में बहुत सारे ज़िलों में ऐसे नौजवान थे जो पटना पहुंच सकते थे या उन इलाकों में पहुंच सकते थे जो बाकी हैं और बाढ़ से प्रभावित हैं, यानी कि उन 14-15 ज़िलों के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में भी लोगों को मदद पहुंचाई जानी चाहिए थी। पटना राजधानी होने के नाते लोगों की नज़र में थी, मीडिया के कैमरे में था, लेकिन बाकी शहर, बाकी हिस्से, ज़िलों के बाकी जो गाँव कस्बे हैं वो अभी भी मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, वहाँ लोगों को मदद चाहिए। और वहाँ के लिए बिहार के बाकी हिस्सों के जो नौजवान हैं, समाज सेवी हैं, नेता हैं, या फिर वैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो भी जब कवरेज के लिए जाते हैं तो वहाँ की तस्वीरें दिखा सकते हैं, देश दुनिया के सामने ला सकते हैं कि यहाँ भी लोग मुसीबत में हैं। ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें या तो उन नौजवानों की है जो पटना में पहुँच करके लोगों की मदद कर रहे थे, या फिर पप्पू यादव और उनके लोगों की है जो अब भी मुसीबत में घिरे लोगों तक पहुंचने और मदद पहुंचाने की कोशिश में हैं। ये सारी बातें इसलिए हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी तकदीर और तस्वीर बदलती नहीं है। नीतीश कुमार और बीजेपी की साझा सरकार को चलते हुए वहाँ लगभग अब 15 साल होने को आ रहे हैं, अगले साल चुनाव हैं, फिर नेता उतरेंगे, फिर 10 तरह के नारे लगेंगे, आप NRC पर आ जाइए, आप 370 पर आ जाइए, अयोध्या के मंदिर पर आ जाइए, लेकिन सड़क की, नाली की, स्कूल की, कॉलेज की, नौजवानों के रोज़गार की बात मत कीजिए, क्योंकि यहाँ तो हालात ऐसे ही रहेंगे। बिहार के लोग जातियों में, संप्रदायों में, तरह तरह के लुभावनों में फंसे रहेंगे, और उन लोगों को फंसा करके अलग अलग गिरोहों में, गुटों में, खाँचों में, साँचों में बांट करके वोट बना लिया जाए और राज्य को वही पुराने हालात पर छोड़ दिया जाए, इससे आगे यहाँ की स्थिति बदलती नहीं है, बढ़ती नहीं है। यहाँ बदलाव सोच में होना चाहिए। बिहार को बेहतर बिहार होना है। केंद्र की सरकार को देश के बारे में जो सोचना है वो सोचते रहे, लेकिन राज्य की सरकार को राज्य के बारे में सोचना होता है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, वहाँ स्वास्थ्य के हालात बेहतर हो, उपचार ठीक से मिले, वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, सड़कें, बिजली, पानी, सैनिटेशन, नहर, नाली, यह सब ठीक हो। इनका जिम्मा जिन राज्य सरकारों के ऊपर होता है, वो सरकारें बिहार में पिछले 30-35 साल से चल रही हैं, वो निकम्मी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने बिहार को बंधक बना रखा है। एक सोचता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए दूसरा कोई नहीं आएगा, आप जैसे चाहो वैसे रहो। जो मौजूदा सरकार है उसको लगता है कि पिछली सरकार इतनी ख़राब थी कि उसके याद करके ही लोग नहीं उसको वोट देंगे, लिहाजा आप जैसे चाहते हैं वैसे रहिए, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, वोट तो लोग देंगे ही। यह वोट देने की मजबूरी और विकल्प ना होने की दिक्कत, इसके बीच में बिहार फंसा रहता है, और इस फंसे हुए बिहार के सामने एक दुर्दशा लगातार रहती है। यह दुर्दिन, यह दुर्दशा आखिर कब तक? बिहार के लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर से पटना की उन तस्वीरों के साथ छोड़ना चाहता हूं जो पप्पू यादव के जरिए चलती रही हैं। देश के लोगों ने देखा है, बिहार के लोगों ने देखा है कि एक नेता लगातार लोगों के बीच दिखता रहा है, लोगों को मदद पहुंचाता रहा है, आवाज़ लगाता रहा है गलियों में, मोहल्लों में, कि आपके घर में चावल, दाना, पानी है क्या, दूध है क्या, नहीं है तो ले जाइए। यह सब कुछ जो आदमी लगातार करता रहा है, उस आदमी की पीठ थपथपाई जानी चाहिए, उसका नाम लिया जाना चाहिए, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जब भी मुसीबत हो, जब भी मुश्किल हो, तो पप्पू यादव की तरह बहुत सारे लोग आकर के आप लोगों के बीच में खड़ा हों, यानी कि वैसे लोग जो मुश्किलों में हैं, मुसीबतों में हैं, ताकि इस तरह के हालात से हम पार पा सकें। फिर भी सरकार, स्थानीय व्यवस्था, यानी कि वहाँ के जो पार्षद हैं, वहाँ के जो मेयर हैं, इनको सवालों के घेरे से बाहर नहीं छोड़ रहा है। इन्होंने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, यह जनता तय करती है। हमारा काम सिर्फ जो सच है उसको आप तक पहुँचाना होता है, जो तस्वीरें कहती हैं उनको आप तक बताना होता है। हमने अपना काम किया है,